हेलो गाइस, मैं विपिन त्रिपाठी, फाउंडर ऑफ क्वालिटिव्स डॉट इन। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि क्वालिटिव्स करता क्या है, पैसे क्या कैसे कमाता है, ये इंटर्नशिप में क्या होने वाला है, हम कैसे सीखेंगे, क्वालिटिव्स इतना चिल कैसे है, बाकी बहुत सारे सवाल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब हम इत्मीनान से देंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में देंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले हमने वो वाले आपके सवाल पिक करें जो आपका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कंपनी है क्या, करती क्या है, और सेकंड थिंग क्वालिटी की इंटर्नशिप में होना क्या वाला है, तो आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कैसे स्टाइपेंड मिलेगा, आप कैसे सीख पाओगे। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको अभी दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वालिटिव्स करता क्या है, क्वालिटिव्स है क्या। सो क्वालिटिव्स स्टार्ट हुआ था 2017 में भोपाल से, ठीक है। अभी राइट नाउ हम देश के बहुत अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, हमारे सिटीज़ अलग अलग सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, और अभी हम अगले कुछ दिनों में और भी सिटीज़ में आने वाले हैं, हो सकता है जल्दी आपके शहर भी आ जाएंगे। सो अब आते हैं कि क्वालिटिव्स करता क्या है। तो क्वालिटिव्स का मोटिव एक लाइन में सिर्फ इतना सा है, स्टूडेंट्स की लाइफ को ईजी और हैपनिंग बनाना। सो बहुत सारे लोग बोलेंगे ईजी और हैपनिंग कैसे बनाना, तो आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज देखा होगा, उसमें जो भी आप कंटेंट देख रहे हो क्वालिटिव्स के पेज पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हमारी वेबसाइट पर, जहां कहीं भी, तो सबसे पहले तो क्वालिटिव्स ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है। मतलब क्वालिटिव्स के पेज पर, इंस्टा पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब पर आप जो देख रहे हो वो कंटेंट हम खुद ही बनाते हैं। क्वालिटिव्स कोई भी कंटेंट यहां वहां से नहीं उठाता है, मतलब हम हर कंटेंट हमारे यहां पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल पर सोचा जाता है कि क्या करना है, कैसे बनाना है, लिखा जाता है, फिर उसमें लोग कौन एक्ट करेंगे, एंकरिंग करेंगे, फिर शूट होगा, फिर एडिट पे जाएगा और फिर लाइव जाता है। सो क्वालिटिव्स एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएट करता है। सो क्वालिटिव्स के जो कंटेंट है कहीं ना कहीं हम बहुत रिलेटेबल या ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो जनरली लोगों को पसंद आता है। दैट्स वाई कि अगर आपने देखा होगा कि क्वालिटिव्स के पेज पर को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग डिफरेंट अगर हम प्लेटफॉर्म को मिला लिया जाए तो हमको लाखों लोग फॉलो करते हैं और करोड़ों लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं। मतलब हमारा कोई वीडियो अगर आप अच्छे से व्यूज़ देखेंगे तो कोई वीडियो हमारा 2 लाख लोगों ने देखा होगा, कोई 5 लाख लोगों ने देखा होगा, कोई 8 लाख लोगों ने देखा होगा, कोई 10 लाख लोगों ने देखा होगा, कोई 40-50 लाख लोगों ने देखा होगा। सो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर हमारा कंटेंट देखा हुआ है विदाउट एनी पेड प्रमोशन और बूस्ट के। तो सबसे पहले तो क्वालिटिव्स कंटेंट क्रिएट करता है जो इंस्टाग्राम पर लोग देखते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो एक तो क्वालिटिव्स कंटेंट बनाता है। अच्छा, इसके अलावा क्वालिटिव्स क्या करता है, क्वालिटिव्स का एक प्रोग्राम है क्वालिटिव्स कनेक्ट। तो क्वालिटिव्स कनेक्ट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जो कोई हॉबी इंटरेस्ट कैरी करते हैं, जैसे किसी का डांस में इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में है, किसी का म्यूज़िक में है, किसी का आर्ट्स में है, किसी का स्टार्टअप में है, किसी का फोटोग्राफी में है, तो क्वालिटिव्स बहुत सारी चीज़ों में क्या करता है कि हम ऐसे लोगों को मिलाने का काम करते हैं। तो हम इनके लिए बहुत सारे ओपन माइक्स और मीटअप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोकेशंस पर। तो इन मीटअप्स में होता क्या है, लोग आते हैं, मिलते हैं, कॉलैब कर पाते हैं एक दूसरे से, पार्टी कर पाते हैं और एक दूसरे के टैलेंट से कुछ सीख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एज अ कम्युनिटी क्वालिटिव्स स्टूडेंट्स के को वो चीज़ देता है जो उनको उनके कॉलेज में नहीं मिल पाता है या उनके अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर ये लोग नए लोगों से मिल पाते हैं और ये सब जो इवेंट्स होते हैं ये सब फ्री इवेंट्स होते हैं, क्वालिटिव्स इसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं लेता है। सो क्वालिटिव्स के आपने जो देखा होगा ना कि लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही इवेंट्स होते हैं जो अलग अलग शहरों में होते हैं। तो क्वालिटिव्स ये इवेंट्स करता है। सो इन इवेंट्स में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और जो हमारी टीम के लोग होते हैं वो इन इवेंट्स को क्रिएट करते हैं कि इवेंट्स में क्या तैयारी करना है, क्या प्लान करना है, क्या थीम रखना है, लोग क्या कराएंगे, कौन से गेम्स खेलेंगे, लोग कैसे बात करेंगे, कैसे लोग मिल पाएंगे, हमको क्या करना चाहिए, अगर कुछ मेस्ड अप हो गया तो कैसे चीज़ें होंगी। तो काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें क्वालिटिव्स वो करता है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर, क्वालिटिव्स और क्या करता है, क्वालिटिव्स का एक प्रोग्राम है क्वालिटिव्स केयर। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है और हमको भी बड़ा लगता है कि यार सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, तो क्वालिटिव्स ऐसे स्टूडेंट्स को मौका देता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओ। अब कैसे, स्टूडेंट्स हैं हमको बहुत अच्छे से पता है कि यार सबसे पहले तो तुम लोग के पास पैसे तो होते नहीं है ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास, और तो हम अपने कोई भी काम ऐसे जनरली नहीं हम डिजाइन करे हैं अपने क्वालिटिव्स केयर में कि जहां हम लोगों को बोलते हैं कि भाई गरीबों को कंबल बांटना है, खाना खिलाना है या बहुत सारी चीज़ करना है।
हमने क्या किया हुआ है कि हमने स्टूडेंट्स की स्किल को पकड़ा कि भाई आपके अंदर क्या स्किल है। जैसे हमने जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सोशल मीडिया फ्रेंडली होते हैं या बहुत टैकी होते हैं, तो हमने लोगों को बोला कि यार चलो ऐसा करते हैं कि जो लोकल वेंडर्स हैं उनको हम सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और चीज़ें करते हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल करो आप, संभालो उनके लिए पोस्ट डिजाइन करो, ये करो। तो वो क्वालिटीज कराता है बहुत सारी जगह पे। इसके अलावा जो एल्डर्स वन है उनको हम बोलते हैं कि भाई यार अब हम चलो मिलकर उनको ऐप सिखा सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि भाई ओला कैसे बुक करते हैं या खाना ऑर्डर करना है तो जोमेटो स्विगी से कैसे ऑर्डर करते हैं या गूगल मैप्स कैसे चलाते हैं, तो वहाँ हम उनकी स्किल को यूज़ करते हैं सब चीज़ों में, तो वो क्वालिटीज करता है। इसके अलावा एक हमारा कैंपेन है पेट फ्रेंडली सिटी बनाना, तो वो क्वालिटीज करता है कि हमको लगता है कि इंडिया में बहुत सारी सिटी हैं, इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी है, ग्रीनेस्ट सिटी है, बट इंडिया में अंदर कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो खुद को बोल पाए कि यार वो इंडिया की फर्स्ट पेट फ्रेंडली सिटी है। सो हमको लगा कि यार हमको ये वाला काम करना चाहिए। उस आपको बिलीव नहीं होगा, पेट फ्रेंडली सिटी में हमारे पास 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है खुद को। सो वो एक कैंपेन क्वालिटी चलाता है अवेयरनेस वाला कि हर सिटी को वो बनाना है। तो ऐसे क्वालिटी बहुत सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व है। हाँ, अच्छी बात यह है कि क्वालिटिव्स किसी से भी इन सोशल वर्क के पैसे नहीं लेता है, और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं सोशल वर्क में उनको क्वालिटिव्स अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं जिनको सोशल वर्क करना है। तो एक तो वो हो गया क्वालिटिव्स करता है। इसके अलावा क्वालिटिव्स का एक प्रोग्राम है क्वालिटिव्स क्लासेस। तो क्लासेस से जैसे साउंड होता है ना कुछ सीखने के लिए, तो जैसे अगर किसी को कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोई कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहता है, तो क्वालिटिव्स उनको वो चीज़ें सिखाता है। क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत शायद इसमें अच्छा कर लेते हैं कि हमको थोड़ा कंटेंट बनाना आता है, डेट्स वाई हमारा थोड़ा कंटेंट चल जाता है, या हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट अच्छा है तो हमको थोड़ा शायद डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा औरों से थोड़ा ठीक ठाक आती होगी। तो हम लोगों को वही सिखाते हैं जो हमको आता है, मतलब हम उनको पाइथन या जावा या हम उनको ऐसी चीज़ सिखाते नहीं जो हमको खुद ही नहीं आती है। तो हम लोगों को उन्हीं कोर्स के लिए बोलते हैं कि आप हमारे साथ वही करो, क्योंकि क्वालिटी का मेन मोटिव कोर्स बेचना नहीं है, मतलब स्किल इन्हेंस करना है। अब क्या होता है कि इसमें भी प्रैक्टिकली होता है कि आप स्टूडेंट्स आते हैं और हम उनको प्रैक्टिकली काम कराते हैं कि भाई तुम ये करोगे ये करोगे ये करोगे, सो जनरली लोग सीख जाते हैं सब चीज़ों से। तो क्वालिटी सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के कोर्सेज है जो सेल करता है, जो स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं वो हमारे साथ सीख जाते हैं। तो एक तो क्वालिटी क्लासेस में ये होता है। आगे चल के हम क्वालिटी क्लासेस में कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो उनके वेलफेयर के लिए हो सकता है, लेकिन हम करेंगे वही जो हमको सच में आता हो और हम सच में सिखा पाएँ। तो एक तो वो हो गया क्वालिटी क्लासेस। बट क्वालिटी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि क्वालिटी इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटर है इंटर्न्स का, मतलब क्वालिटी से ज़्यादा इंटर्न्स पूरे इंडिया में कोई कंपनी रिक्रूट नहीं करती है, ना TCS, ना इन्फोसिस, ना फ्लिपकार्ट, ना ओला, ना ओयो, ना इंटर्न्स आला। इंटर्न्स आला जो एग्रीगेटर आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, खुद नहीं रखता है इतनी तादाद में, रखते हैं बहुत सारी कंपनी इंटर्न रखती है, लेकिन हो सकता वो 20 इंटर्न रखती हो, 50 इंटर्न रखती हो, 100 इंटर्न रखती हो, 200 रखती हो, 500 रखती होगी TCS या नेस्ले या जियो या कोई भी कंपनी, ये हो सकता 1,000-2,000 इंटर्न रखते हो, बट क्वालिटिव्स इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप देती है। अब कितनी तादाद में देती होगा आप लोग थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। सो अगर हम सिर्फ लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर क्वालिटिव्स के साथ मोर देन 35,000 लोगों ने इंटर्नशिप करी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आप मेरी बात पे ऐसे बिलीव कर लो, 35,000 मतलब आपको 35,000 लोगों के वीडियोस टेस्टिमोनियल्स देखने मिलेंगे जो बोल रहे होंगे आई एम इंटरनेट क्वालिटिव्स। तो इतने सारे लोग क्वालिटिव्स के साथ इंटर्नशिप करते हैं, तो बहुत लोग उनको लग रहा होगा कि यार अच्छा क्वालिटिव्स इतने सारे इंटर्न्स को कैसे रखता है, क्यों रखता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों नहीं रखती हैं, और सिखाते कैसे होंगे आप लोग, चीज़ें कैसे कराते होंगे। सो अच्छा पहले तो ये देखो कि क्वालिटिव्स में लोग इतने सारे लोग इंटर्नशिप करने आते क्यों हैं, मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि लोग आज हमारे पास नेस्ले जियो या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए, जबकि इन कंपनियों में भी करते होंगे। लेकिन अगर क्वालिटिव्स अगर जिस तरीके से देखा जाए कि स्टार्टअप है जो अभी कुछ टाइम पहले ही आया है और उसमें इतने सारे लोग क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें जो हमारे बारे में शायद लोगों को अच्छी लगती हैं कि क्वालिटिव्स के जो ऑफिसेज हैं वो बड़े कूल और चिल हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमको खुद ही पसंद है यार अच्छी जगह बैठ के काम करना, मतलब क्या होता है ना कि हमको लगता है कि थोड़ा कैजुअल वर्किंग होना चाहिए, मतलब
ऐसा नहीं है ना कि एक जगह बैठे हैं सिस्टम के सामने और मज़ा आ रहा है, या बोर हो गए हैं, या तब भी बैठे हुए हैं क्योंकि काम करना है। सो क्वालिटिव एक तो कलरफुल ऑफिसेज बनाता है। तो अगर तुम लोगों ने हमारे ऑफिसेज देखे होंगे बहुत अलग अलग शहरों के, तो क्वालिटिव सबसे अच्छे ऑफिसेज क्रिएट करता है, या हम रेंट पर लेते हैं तो हम तो करते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लगते हैं कि यार ये क्वालिटिव के ऑफिस बहुत कूल और चिल हैं। जैसे होता है ना, लोग मूवीज़ वेब सीरीज में देखते हैं कि यार ऐसे ऑफिस कहाँ होते हैं जहाँ पे लोग बढ़िया मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बीन बैग पर डले हुए हैं। तो क्वालिटिस एक्चुअल में ही ऐसा है। आप हमारे कोई भी ऑफिस जाओ, सब जगह ऐसे इन्वायरमेंट रहता है। और सेकंड कि जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वालिटिस के साथ इंटर्न्स काम करते हैं, सो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए आपको बड़े यंग फेसेस दिखते हैं, आपके जैसे फेसेस दिखते हैं, और वो एक्चुअल में आप लोगों में से ही लोग होते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, और कंपनी भी बहुत कैजुअल है, तो हमारा इन्वायरमेंट वैसे ही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह बोर होकर बैठ के काम करना है या एक ही टाइप का काम करना है। सो बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, और अलग अलग कॉलेज के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, मतलब टेक वाले लोग भी होते हैं, ग्राफिक्स वाले भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं, कंटेंट राइटर भी होते हैं, एचआर वाले लोग भी होते हैं, जो ऑपरेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो लोग भी रहते हैं। डेट्स वाई कि आपको तरह तरह के लोग दिखते हैं। सो क्वालिटी एज अ कम्युनिटी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है, इसलिए आपको वो फेसेस दिखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो अपने टाइप लोग हैं। थर्ड इज़ क्वालिटिव्स का वर्क कल्चर, या क्वालिटिव्स का काम क्या होता है। सो क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि क्वालिटिव्स एक काम नहीं करता है, मल्टीपल टाइप के काम करता है, तो हमारे जो भी इंटर्न्स होते हैं या हमारे साथ जो भी जॉब करते हैं तो उनको भी सब यही सब चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि लोग कभी एक्टिंग कर रहे होते हैं, कभी एंकरिंग कर रहे होते हैं, कभी कंटेंट बना रहे होते हैं, कभी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कभी सेल्स कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ऑपरेशन वर्क कर रहे होते हैं, एडमिन जॉब कर रहे होते हैं, तो कभी प्लान कर रहे होते हैं कि कुछ हमको क्या नया करना है, कि सोशल वर्क की चीज़ें कर रहे होते हैं। सो क्वालिटी में मल्टीपल टाइप की चीज़ें होती हैं। सो हमारे ऑफिस इंटर्नशिप में जो लोग भी ऑफिस में इंटर्नशिप करते हैं, या जो लोग भी हमारे से जॉब करते हैं, वो सब कोई हर काम करता है। तो ये क्वालिटी के साथ सब पर अप्लाई होता है, इंटर्न्स के साथ भी, हमारे मैनेजर्स के साथ भी, और इनफैक्ट फाउंडर के साथ भी। तो क्वालिटी में लोग ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा चीज़ों का उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता कि यार अच्छा मैं इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, अरे मैं कंटेंट भी बना सकता हूँ, अरे मैं एचआर के काम भी कर सकता हूँ, अरे मैं ऑपरेशंस भी हैंडल कर सकता हूँ। सो बहुत टाइप की चीज़ें। सो क्या होता है कि क्वालिटी मौका दे रहा है आपको करने का, आप करो, लाइव प्रैक्टिकल्स इम्पैक्ट होते हैं, मतलब कि आपका काम अच्छा लगेगा तो हम अपने प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे। सो क्वालिटी में लोग बोर नहीं होते, और उनको अपने बारे में चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। सो इसलिए इतने सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं। वो होता है ना कि आप लोगों ने देखो ना एमली इन पेरिस में, या बहुत सारी टाइप की सीरीज होती है ना, कि यार ऐसे ऑफिस कहाँ होते हैं। तो क्वालिटीज थोड़ा थोड़ा लगभग वैसी कुछ है। तो एक तो ये हो गया कि इसलिए क्वालिटीज में इतने सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं। अब जनरली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्वालिटीज इतने सारे इंटर्न रखता क्यों है, रीज़न क्या है कि दूसरी कंपनियाँ क्यों नहीं रखती हैं, और क्वालिटीज इतने सारे इंटर्न को क्यों रखता है। तो सबसे पहले तो मैं दूसरी कंपनी और क्वालिटीज में कंपेयर बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप पे बहुत सारे लोगों स्टूडेंट्स को मौका क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है, इंटर्नशिप होती है पार्ट टाइम टाइप का, मतलब लोग 1 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं, 45 डेज की इंटर्नशिप करते हैं, 60 डेज की इंटर्नशिप करते हैं। तो जो भी इंटर्न्स होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी का एसेट नहीं होते। मतलब आप कॉलेज से, आपने फलाना कंपनी में इंटर्नशिप करी, आपने काम सीखा, उसने थोड़ा सिखाया, फिर आप चले जाओगे, फिर आप हो सकता है किसी और कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाए, तो आप वहाँ काम करने लगोगे। सो वो कंपनियों को काम नहीं आना है, आपको सिखाना, आपको काम कराना, प्लस वो इतना शॉर्ट टर्म का काम होता है कि कंपनी उसका पूरा यूटिलाइज भी नहीं कर पाती है। दैट्स वाई आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी कंपनियों में कि जो सो कॉल्ड एक वो बना हुआ ना टेंडेंसी कि इंटर्न्स को ऐसी फालतू के काम पकड़ा देते हैं, कहीं ये मैनेज करना, कहीं फलाना करना, कॉलिंग करना, फाइल मैनेज करना, ये करना, वो करना, जो वो इसलिए ही होता है। सो इंटर्नशिप्स में जनरली ज़्यादातर होता है ना, वो ज़्यादातर कंपनियां ऐसे करती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब कंपनियों में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में यही होता है, इसलिए कंपनियां इतने सारे इंटर्न्स को हायर नहीं करती। अब आता है कि क्वालिटिव्स क्यों हायर करता है और किस वजह से करता है। सो देखो क्वालिटिव्स का तुम लोगों को इतनी देर में थोड़ा समझ में आया होगा कि क्वालिटिव स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपनी है। हमको जहाँ भी लगता है ना कि यार स्टूडेंट्स के लिए ये लाइफ में होना चाहिए, तो क्वालिटिव्स वो करता है, भले वो कॉन्टेंट में हो, प्रोग्राम्स में हो हमारे, या फिर उनकी हॉबीज इंटरेस्ट में हो, सोशल वर्क में हो, किसी भी चीज़ में। सो जनरली मैंने एक चीज़ का रियलाइजेशन किया कि इंडिया में मोर देन 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप नहीं मिलती है, कोई भी रीज़न हो, कंपनियां हायर नहीं करना चाहती हैं, या फिर उनको लगता है कि इंटर्न्स
उनमें वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से उनको हायर करें, जो भी रीजंस हो कंपनियों की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से, बट फाइनल रिजल्ट इज़ कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप नहीं मिलती है। मिलती भी तो किनको है, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने थोड़ा एक्टिवली कर लेते हैं या जो थोड़ा बोल लेते हैं, कम्युनिकेशन जिनका अच्छा है या बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी, तो उन लोगों को इंटर्नशिप मिल जाती है, वो भी बहुत कम रेस है, और उनको भी बहुत अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिलती है। अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हूँ। सो हमको थोड़ा गैप लगा कि यार ये तो एक प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिलती है। सो हमने देखा कि यार अच्छा हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। तो फिर हमने सोचा कि यार चलो क्वालिटिव इंटर्नशिप चालू करता है स्टूडेंट्स को, कि इतने सारे लोग हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, सीख सकते हैं या चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया अपना। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको वो किसी और एपिसोड में बताऊंगा कि हम इंटर्नशिप में कैसे मूव हो गए एकदम से। कि ये कोविड के टाइम की बात है कि जब हम कोविड चल रहा था, फिर ऑफिस इंटर्न्स में काम कर रहे थे लोग, फिर सडन क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, फिर सब बंद हो गया, फिर हमको ऑनलाइन इंटर्न्स हायर करे हमने, फिर वो एक जर्नी बहुत अलग है। तो मैं उसको आपको किसी और दिन इत्मीनान से बताऊंगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की, कि समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, आप कैसे सीखते हो और बाकी चीज़ों पर। तो क्वालिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम हर साल करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग फिर से अच्छे से सुनिए इस बात को, और जो हमने अपने ऑफर लेटर्स में भी लिखा है, वेबसाइट पर भी लिखा है, हर जगह बोला हुआ है कि क्वालिटिव्स की जो भी इंटर्नशिप है वो मल्टीपल डोमेन इंटर्नशिप है। मतलब कि आप मल्टीपल टाइप की चीज़ें करते हो, मल्टीपल टाइप की चीज़ें सीखते हो। हाँ, जब आपकी पूरी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी तो इस इंटर्नशिप के बाद आपको जिस डोमेन में लगता है कि यार इस डोमेन में मैंने बहुत अच्छे से सीखा, मेरे को इस डोमेन का काम बहुत अच्छे से आ गया, या मेरे को लगता है कि यार ये वाला काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो आपको कैरियर में काम आएगा, तो लास्ट में जब आप हमारा ऑफ बोर्डिंग फॉर्म भरते हो तब आपसे पूछा जाता है कि आपको किस डोमेन में सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने एचआर का काम सीखा तो आपको एचआर में मिल जाएगा, आपको ऑपरेशंस में लगा तो ऑपरेशंस में मिल जाएगा, आपको लगता है फाइनेंस से आपने हमारे साथ अच्छे से सीखा तो फाइनेंस में मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत कैटेगरी हैं। बट आप काम आपको हर डोमेन में करना है। सो क्वालिटिव्स अब काम क्या कराता है और कैसे कराता है। सो सबसे पहले तो समझो कि क्वालिटिव्स कोई कंसल्टेंसी नहीं है, क्वालिटिव्स अपने इंटर्न्स को दूसरों को नहीं देता है। क्वालिटिव्स के जो भी इंटर्न्स होते हैं वो क्वालिटिव्स के लिए ही काम करते हैं, क्वालिटिव्स में रह के काम करते हैं। सो ऑब्वियसली क्वालिटिव जो चीज़ें करता है हम अपने इंटर्न्स को वही सब चीज़ें कराएंगे। आप कंटेंट क्रिएशन भी सीखोगे, आप ऑपरेशंस के काम भी करोगे, आप हमारे कोर्सेज से रिलेटेड काम करोगे, सोशल वर्क से रिलेटेड काम करोगे, क्लासेस से रिलेटेड वर्क करोगे, हम जो नए प्रोग्राम्स लाने वाले हैं आप उससे रिलेटेड काम करोगे, तो यही कामों में आपको इन्वॉल्व करेंगे। अब इसमें कैसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एचआर वाले लोग हैं, तो हम क्वालिटिव्स में एचआर से रिलेटेड जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड आपको टास्क बनाकर देते हैं कि आप क्वालिटिव्स के लिए हायरिंग करना है, कैसे आप हायर इंटर्न्स को या आप अपने जॉब्स के लोगों को आप हायर करोगे, कौन से राइट प्लेटफॉर्म होंगे, आप कैसे ढूंढोगे, कैसे अप्रोच करोगे, आप अगर अपने टीएनपी सेल वालों को अप्रोच करोगे तो कैसे अप्रोच करोगे, क्या मेल्स लिखोगे, तो बहुत सारी प्रोसेस सीखते हो। सेम विद फाइनेंस, जब हम फाइनेंस रिलेटेड कोई टास्क देते हैं तो उसमें हम चीज़ों को बताते हैं कि यार क्वालिटिव्स है आपका ब्रांड है, अब आप थोड़ा सोचो कि यार क्वालिटिव्स कैसे पैसे कमा सकता है, कैसे अर्न कर सकता है, आपको फाइनेंस मैनेज करना है तो क्वालिटिव्स को पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, कितने ऑफिस में पैसे खर्च करने चाहिए, कितनी सैलरी पे खर्च करना चाहिए, कितने एक्सपेंसेस पे खर्च करना चाहिए, ऑपरेशंस के वर्क की क्वालिटिव्स के जो भी काम हो रहे हैं, जो भी हमने नया कैंपेन डिजाइन किया वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, कल के दिन अभी हम नया प्रोग्राम ला रहे हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या प्लानिंग होगी, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड काम, सेल्स से रिलेटेड काम की क्वालिटिव्स का ये प्रोग्राम है, इसको रीब्रांड करना है, इसके ये मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना है, तो आप वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो। ऑब्वियसली सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन का काम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि क्वालिटिव्स कोर टाइप से वो चीज़ें ज़्यादा करती है। तो आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हो, आपके आइडियाज़ लिए जाते हैं, आपकी स्किल देखी जाती है, तो उन कामों में आप इन्वॉल्व होते हो। तो मल्टीपल टाइप की चीज़ें आप करते हो, लेकिन आप जो भी करोगे वो वही करोगे जो क्वालिटिव्स करता है। इसको सेकेंड एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स में इंटर्नशिप करने गए, तो टाटा मोटर्स क्या करती है, टाटा मोटर्स या तो कार बेचेगी या फिर उसके बाद आफ्टर सर्विस करती है। तो अगर आपकी टाटा मोटर्स में इंटर्नशिप लग जाएगी तो आप टाटा मोटर्स में वही काम करोगे कि या तो आप सेल्स से रिलेटेड काम करोगे जहां आप कार बेच रहोगे, या फिर आप आफ्टर सेल्स से रिलेटेड सपोर्ट में काम करोगे वो करोगे, क्योंकि टाटा मोटर्स का वो काम है।
क्वालिटिव्स का क्या काम है? कंटेंट बनाना, चीज़ों को मैनेज करना, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, वो कैसे वर्क करेंगे वो सब करना। हम चाहते हैं हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे, तो ज़्यादा लोग हमको फॉलो करें, हमारे कंटेंट को देखें। हमारे प्रोग्राम्स में जो भी कमियाँ हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो डिज़ाइन करना, वो बनाना, उनको लोगों तक पहुँचाना। सो ऐसे मल्टीपल टाइप काम जो भी क्वालिटिव्स करता है। क्वालिटिव्स क्या क्या करता है वो सब वेबसाइट पर है। आप एक बार वेबसाइट को अच्छे से जाके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप भी यही सब काम करने वाले हो, इससे रिलेटेड इसी इकोसिस्टम के चारों तरफ काम करोगे, उस इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। सो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्वालिटिव्स करता क्या है और हमको क्या करने वाले हैं। अब कई लोगों को लगता है कि क्वालिटिव्स में हम सीखेंगे कैसे, तो सीखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो कि आपको जब भी कोई भी ग्रुप में टास्क दिया जाता है तो उसमें कैसे सीखते हो आप, कि आपको टास्क दे दिया, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाते हो कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें। प्लस अगर आपको टास्क समझ में नहीं आ रहा, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारे जो भी मेंटोर्स हैं आपके, आप उनको कॉल कर सकते हो, आपके पास ऑफिशियल नंबर है, आप चैट्स पर पूछ सकते हो और आपको वो हेल्प करेंगे कि अच्छा ये कैसे करना, अच्छा यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछो, तो आपको उसके सवाल मिलेंगे। बट सबसे ज़्यादा जो आप सीखते हो उसका रीज़न बता दूँ, कैसे सीखते हो और किस वजह से सीखते हो। हमने आपको इंटर्नशिप में एक वजह है जिसकी वजह से ग्रुप्स में रखा हुआ है, मतलब हम चाहते तो आपकी इंटर्नशिप में आपको इंडिविजुअल सी टास्क आता आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर और आप इंडिविजुअली हमको सबमिट कर देते गूगल फॉर्म पर, आपका काम हो जाता। बट हमने जानबूझकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर रखा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पर रखने का रीज़न क्या है कि आपको देश के अलग अलग तरह के लोगों को जानने का मौका मिले। आप उनके बारे में जब वो इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताते हैं ना, तो आपको थोड़ा पता चलेगा, अच्छा यार साउथ के लोग ऐसे बात करते हैं, नॉर्थ के लोग ऐसे बात करते हैं, अच्छा ये हॉबीज इंटरेस्ट हैं उनके, अच्छा ये आर्ट है उनका, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लोगों को जानते हो, आपको टैलेंट भी पता चलता है ना कि यार अच्छा ये कितना अच्छा ये पेंट करता है, ये कितना अच्छा डांस करते हैं, ये कितना अच्छा म्यूज़िक में है, ये बहुत सारी चीज़ों में। तो पहले तो आपको लोगों को जानने का मौका मिलता है, जो कि आपका अभी इनर सर्कल बहुत छोटा हो चुका है, आप कॉलेज में हो, आपकी कॉलोनी के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, बट ये आपको बाहर के लोग मिल रहे हैं। तो पहले तो लोगों को जानने का मौका मिलता है, फिर जब वो लोग टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपने एक टास्क को परफॉर्म किया अपने एंगल से, ठीक है, आपने वो डाला, किसी और ने जो मुंबई में बैठा है या जो दिल्ली में है या रायपुर में है या फिर अहमदाबाद में है या बेंगलोर में, हैदराबाद में या चेन्नई में, कोई भी लोग हैं, तो जब ये लोग टास्क डालते हैं अपने तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से, तो आपको एक नया एंगल पता चलता है, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा। तो आपकी लर्निंग उस तरीके से होती है, समझ रहे हो ना, दूसरों की चीज़ें, दूसरों के व्यूज़ देखकर भी आप सीखते हो, समझते हो। इसलिए हम टास्क को ग्रुप में कराते हैं कि आपने अपना एंगल भी देखो, आप दूसरे का भी देखो, फिर तीसरे का भी देखो, चौथे का भी, यार ऐसा तो मैंने सोचा नहीं, अच्छा ये भी हो सकता है। दूसरे के काम से आपको पता चलता है, जैसे आपने जो भी टास्क करे होंगे तो आपने देखा होगा यार इसने तो बहुत परफेक्टली किया, इसने तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, तो आप उस तरीके से भी चीज़ें सीखते हो, करते हो। तो आप समझो हमने आपके लिए ही ग्रुप्स में डाला है, जबकि हमको तो ग्रुप्स में डालने से थोड़ा ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैंडल करना, कोई ग्रुप में कुछ भी लिख के चला गया, कुछ भी बोल रहा है, तो समझ रहे हो ना। लेकिन हम देखते हैं कि चलो यार छोड़ो, ये कुछ चीज़ें ना इसको माइनस चीज़ें हटा देते हैं, क्योंकि किसी के आप रोक नहीं सकते हो ना, जैसे जिसको नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा वो कुछ भी बोलने को तय वो कर सकता है। बट ज़्यादा फ़ायदा किसका है, आपका है, इसलिए हम आपको एक टास्क ग्रुप्स में कराते हैं। तो सेकेंड थिंग तो वो हो गई कि आपको टास्क को कैसे सीखते हो और कैसे करते हो। अब सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आप मल्टीपल टाइप की चीज़ें सीखोगे, मल्टीपल टाइप के आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी और आपको लास्ट में जो लगेगा उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। तो सबसे पहले ये इंटर्नशिप आपका सिर्फ और सिर्फ एक घंटा लेती है रोज का, और वो भी दिन भर में कभी भी, मतलब आप देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं मिलेगी क्या, कि मतलब एक तो दिन भर आपको इंटर्नशिप में सिर्फ एक घंटा देना है, और कोई भी आपको 12 से 1 देना है, 1 से 2 देना, 2 से 3 देना, 4 से 5 देना, वो आपके ऊपर है। सो आपको जितना जब भी टाइम मिले आप कर दो, और कोई भी टास्क हमारे इतने लेंदी होते नहीं है जो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पहले तो टाइम का बहुत अच्छा है ये कि आप इसको कम टाइम में कर सकते हो। अच्छा चलो छोड़ो सब चीज़, कई लोगों को लगता होगा कि यार ये इंटर्नशिप उतनी वर्थफुल नहीं है, या हम उतना ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हैं, या हमने सोचा था कि यार हम पर्टिकुलर एक डोमेन में परफेक्ट हो जाएंगे, या हमको लगता था कि यार हम पर्टिकुलर ही हो जाएंगे। अब लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो पता नहीं कभी ये करा रहे हैं, कभी ये करा रहे हैं, कभी करा रहे हैं। तो तुम लोग इसको थोड़ा क्या होता है ना कि ऐसे कैलकुलेट करो, जैसे कोई भी चीज़ होती है ना
कि वो तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू कर रही है और तुम्हारा बदले में कितना टाइम ले रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि क्वालिटिस्ट तुम्हारा टाइम नहीं ले रही है, मतलब कोई भी यार हमसे ये नहीं बोल सकता कि यार आपने हमारा टाइम ख़राब कर दिया, है ना। मतलब आपने देखा हो, एक तो हमारे इंडस्ट्री से वैसे ही मंडे टू फ्राइडे चलती है, सेकेंड थिंग उसमें भी तुमको एक ही घंटा देना है, वो भी एक घंटा मैक्सिमम है। अगर तुम 15 मिनट में कर दोगे तो 15 मिनट में हो जाएगा, आधे घंटे में कर दोगे आधे घंटे में हो जाएगा। सो एक तो तुम्हारा टाइम कम लगता है, दूसरी चीज़ तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, वो भी तुम्हारे मर्जी का डोमेन का। तो इतने कम टाइम में और इतने सारे लोगों के साथ सीख कर, और बहुत चीज़ सीखते हो ना यार, इसको ऐसे मत सोचो ना कि जैसे हमने बोला ना कि तुम, हम खुद रिकमेंडेड करते हैं कि तुम इस इंटर्नशिप को करो, अपनी कोर इंटर्नशिप और भी करो ना। अगर तुम्हारी कोई ऑफिस इंटर्नशिप लग जाती है वो करो, तुमको मल्टीपल टाइप के ऑनलाइन इंटर्नशिप मिलती है तो वो भी करो, जितना ज़्यादा सीख जाओगे उतना अच्छा है। मतलब इसमें बुराई वाली कौन सी बात है, क्वालिटीज को एज अ एक्सपीरियंस लेके चलो कि हाँ यार क्वालिटीज में आते थे हम, इनके बड़े अच्छे मैसेजेस आते थे, वेलकम करने का तरीका बहुत अच्छा था कि बढ़िया होला करके वेलकम करते हैं, थोड़ा फिल्मी टाइप की लाइनें यूज़ करते हैं, थोड़ा वो करते हैं कि थोड़ा चेहरे पे स्माइल आती है, लास्ट में क्लोजिंग में अगर तुम लोग अच्छा करते थे तो अच्छी बात बोलते थे, ख़राब करते हो तो उस तरीके से बोलते थे। बट हमने कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करी है। मतलब अगर तुम लोग थोड़ा अच्छे से देखोगे ना कि हमारे वेबसाइट पर समर इंटर्नशिप के प्रोग्राम पर, क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, कोई ने अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म से आए, लेकिन वो सब जो भी क्वालिटीज का समर इंटर्नशिप का फॉर्म भरते हैं ना, वो हमारी वेबसाइट से भरते हैं आके। तो अगर आप वेबसाइट पर फॉर्म भरने के पहले अगर आप FAQ सेक्शन चेक करोगे, आप हमारी वेबसाइट की डिटेल चेक करोगे, तो हर जगह पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप में 3 मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉड्यूल्स में आपको ये होगा, सेकंड में फलाना है, थर्ड में आपको जो स्टाइपेंड है आपका वो टोटली सेल्स बेस्ड है। तो क्लियर करके हमने चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा हाँ, स्टाइपेंड से याद आया, तो कई लोगों को लगता है कि यार स्टाइपेंड कैसे होगा, कि आपने बोला है 10,000 स्टाइपेंड रहेगा, हम कैसे स्टाइपेंड अर्न कर सकते हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो बहुत क्लियर है। तो देखो यार, क्वालिटी स्टार्टअप है, तुम लोगों को समझ आ रहा, हज़ारों लोग क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग, ठीक है। तुमने खुद देखा होगा ग्रुप में तुम्हारे साथ कितने सारे लोग हैं, तुमने हमारे एग्जिट वीडियोस में देखा होगा कि हज़ारों लोगों ने इंटर्नशिप करी हुई है, हम सबके वीडियो डाल के रखे हैं, हम बिल्कुल नहीं बोलते हमारी बात पर भरोसा करो, तुमको अपने आप दिख जाएंगे कि कितने सारे लोग क्वालिटी के साथ काम करते हैं। तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं क्वालिटी के साथ, तो कोई भी इंटर्नशिप जो कि ऑनलाइन चल रही है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप परफॉर्म करो, आप रिजल्ट्स दो, आप रिजल्ट्स दोगे तो आपका काम दिखेगा, आपका काम मेजर होगा। क्वालिटिव्स ने डे वन से क्लियर करके रखा है कि अगर आप स्टाइपेंड अर्न करना चाहते हो तो क्वालिटिव्स को के जो कोर्सेज हैं आप वो सेल्स करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, 5,000 भी मिलेगा, 10,000 मिलेगा, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे ना लगे, बट ये शायद मेरी पर्सनल थिंकिंग है, तो आप इस पर ज़्यादा वो मत होना। कि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इंटर्नशिप्स होती है ना वो स्टाइपेंड के लिए नहीं होती है, सिर्फ स्टाइपेंड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बट इंटर्नशिप जनरली होती है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। अगर आपको पैसे कमाना है ना तो आप जॉब करो, आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, आप दूसरी चीज़ें करो, क्योंकि अप्रोच अलग अलग हो जाती है। देखो क्या होता है, इंटर्नशिप करने आते हैं लोग तो हमको क्या पता रहता है, यार इसको सीखना है, तो कंपनियों की या जो भी लोग होते हैं उनकी अप्रोच सिखाने वाली होती है कि भाई अच्छा तुम सीख जाओ, अच्छा गलत भी करोगे तो अच्छा ऐसे कर लो, ये हो रहा तो वो कर लो, ऐसी चीज़ें होती हैं। बट अगर कोई जॉब्स के लिए आएगा या कोई पैसे के लिए आ रहा है कि भाई यार मेरे को फलाना पैसे मिलने हैं, हर महीने 10,000 मिलने हैं, 5,000 मिलने हैं, 15,000 मिलने हैं, जितने भी, तो लोगों की अप्रोच बदल जाती है, उनको लग रहा है कि वो पे कर रहे हैं, तो वो पे कर रहे हैं तो बदले में वो आपको कंज्यूम करेंगे, आप समझ रहे हो ना। तो आप लर्निंग वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर वो क्या होगा कि नहीं यार तुमको फलाना काम दिया तुम करके दिखाओ, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करो। हाँ, आप ये देखो कि आपको कौन सी इंटर्नशिप कितना आपका एफर्ट्स ले रही है। देखो अगर हम आपका 5 घंटे 8 घंटे ले रहे होते ना, जैसे हमारे ऑफिस में जो लोग इंटर्नशिप करते हैं तो उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनको एसोर्ड स्टाइपेंड है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको सेल्स करोगे या फलाना करोगे ढिकाना करोगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है यार कि ये हमारे पास इतने दूर से आ रहे हैं, अपना पेट्रोल वेट्रोल जला कर आ रहे हैं, किराया लगा कर आ रहे हैं, सेकंड थिंग सुबह से शाम हमारे साथ बैठ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, दूसरी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आर लाइबल कि लोगों को हम को स्टाइपेंड दें। बट जब हमको लगता है कि यार लोगों को हम ऑनलाइन इंटर्नशिप दे रहे हैं, एक तो जैसे बोला ना बहुत लोगों को नहीं मिलती इंटर्नशिप, तुम लोगों को मिल गई होगी बहुत अच्छी बात है, तो एक तो टाइम कम है, दूसरी चीज़ें हैं,
आप ज़्यादा सीख रहे हो, और प्लस हम स्टार्टिंग से सब कुछ बता रहे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि पहले से बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, हर जगह बार बार बोल रहे हैं कि वेबसाइट पर भी, ऑफर लेटर में भी, दूसरी चीज़ों पर भी। सो स्टाइपेंड वाला पार्ट बहुत क्लियर है, जो बार बार बोला गया है और अभी भी क्लियर है, जिससे आप लोगों को बड़ा वैसा ना लगे कि अरे यार हमने तो सोचा था आएंगे क्वालिटिव्स के साथ बढ़िया, रोज के ऐसे मस्ती मजाक चलती रहेगी, 10,000 लेंगे और चले आएंगे। भाई पैसे कमाना होता है ज़िंदगी का सबसे कठिन टास्क, इतने ईजिली कोई किसी को पैसे नहीं देता है, पैसे कमाने के लिए करनी पड़ती है बहुत मेहनत, बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप स्टाइपेंड कमाना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, आप क्वालिटिव्स के साथ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। बट अपार्ट फ्रॉम अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर कोई तो तरीका होगा कि आप क्वालिटिव्स के साथ आप स्टाइपेंड अर्न कर सकते हो, तो हाँ आप कर सकते हो। आपकी जब ये इंटर्नशिप ख़त्म होगी, आपकी चलेगी, इस बीच में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, जिन लोगों ने स्किल वाइज या हमको लगता है कि यार ये काम बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, तो हमारी टीम हो सकता है उनको कोई ऑफर करेगी। बट हम जब ऑफर करेंगे तो हो सकता है हम आपको 5 से 8 घंटे मांगेंगे, हम उसके बदले में फिर आपको स्टाइपेंड भी देंगे कि इस तरीके से आप हमारे साथ काम कर सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हो गया स्टाइपेंड वाला पार्ट। और इसके अलावा और आप लोगों को कुछ जानना हो, पूछना हो, लर्निंग का मैंने आपको बताई दिया है, स्टाइपेंड का आपको बताई दिया, हाँ LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का टास्क, उसका भी आपको एक अलग से डेडिकेट टास्क होगा, वो आपको दिया जाएगा, आप उसको कर लोगे तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा। सो इस इंटर्नशिप में आप ईजिली अपना सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हो, मल्टीपल टाइप की चीज़ों को सीख सकते हो। और देखो लास्ट में इतना याद रखो यार कि जब तुम्हारी ये इंटर्नशिप ख़त्म होगी ना, तो तुमको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तुम हमको थोड़ा मिस करोगे, पता तुम्हारे पास जब सुबह से मैसेज नहीं आएंगे ना होल अप पीपल वाले, तो तुमको लगेगा कुछ मिसिंग है कुछ लाइफ में। और जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि तुमने हमारे साथ इंटर्नशिप कर ली, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर ली, तो हम उन लोगों को ही प्रेफर करते हैं अपनी ऑफिस इंटर्नशिप में, जिन लोगों ने हमारे साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप करी हुई है। क्योंकि तुमने देखा होगा ना इतने सारे लोग इंटर्नशिप हमारे ऑफिस देखकर, हमारा वर्क कल्चर देखकर हर कोई आना चाहता है, तो हम हर किसी को तो इंटरटेन नहीं कर सकते हैं, तो हम किसको प्रायोरिटी पर रखते हैं, जिन्होंने हमारे साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप करी है। तो तुम्हारी ये इंटर्नशिप जो तुमने करी है वो वेस्ट नहीं जानी है, एक तो उससे तुमको हमारी ऑफिस इंटर्नशिप का वो मिलेगा, और ऑफिस इंटर्नशिप में हर चीज़ एश्योर्ड है कि आपको मिलना ही मिलना है, वर्क कल्चर हो, लर्निंग हो, सीखना हो, स्टाइपेंड हो, सर्टिफिकेट हो, ये सब चीज़ें। अब आते हैं जॉब्स पर, कि कई लोग बोलते हैं ना कि सर PPO क्या है, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पक्का मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जो लोग इस इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, जिनका हमको लगता है कि यार ये हमारे लिए बहुत काम किए, कंपनी के बहुत काम किए, कंपनी उनको सेपरेटली कॉल करती है, मैसेज करेगी, बताएगी, और आपको जो भी ऑफर होगा वो देने की पूरी कोशिश करेगी। तो पक्का जॉब्स मिलती है। हमारे स्टाफ में 95% से ज़्यादा लोग हमारे इंटर्न्स ही थे, जिन्होंने हमारे साथ प्रीवियसली काम किया है, तो उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको भी ऑफर मिल जाएगा। तो ये हो गया इंटर्नशिप के बारे में। सो गाइस, इसके अलावा अभी आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्वालिटिव्स कैसे बना, क्वालिटिव्स का वर्क कल्चर इतना कूल क्यों है, क्वालिटिव्स की टीम में कौन कौन लोग कैसे कैसे क्या काम करते हैं, और क्या सीखा मैंने पर्सनली क्वालिटिव्स से, क्वालिटिव्स के जो इंटर्न्स थे उनके एग्जांपल कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हाँ, सबसे पहले तुम लोगों को एक अच्छी बात बता दें जल्दी, क्वालिटिव्स के साथ बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप करी है और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर है, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनियों में है। उसके लिए हम डेडिकेटेडली एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आप उनकी वीडियोज़ देख पाओगे उन वर्किंग प्लेस में काम करते हुए। सो चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे HR में हो, ऑपरेशंस में हो, एडमिन में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, कंटेंट में हो, तो दुनिया के बहुत अलग अलग, इनफैक्ट इंडिया के बाहर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो क्वालिटिव्स के साथ इन्होंने इंटर्नशिप करी, वर्चुअल इंटर्नशिप करी, ऑफिस इंटर्नशिप करी। और आप किसी से भी मिलोगे ना क्वालिटिव्स के साथ जिन लोगों ने इंटर्नशिप करी, वो आपको यही बोलेंगे कि क्वालिटिव्स की इंटर्नशिप उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से सीखी और बहुत सारी चीज़ों से लर्न करी। सो अगले एपिसोड में मैं आपको जनरली जो भी आपके और भी सवाल हैं वो बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, कई लोग बोर हो रहे होंगे, कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार सब तो कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहे हैं। सो इंडिविजुअली आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना, आप लोग कभी भी कुछ भी मुझसे बात कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, आप टीम से मेरा चाहो तो पर्सनल नंबर ले सकते हो, टीम आपको नंबर दे देगी, तो आप मुझको कॉल लगा लोगे तो मैं आपको 1-to-1 भी आपको चीज़ें बता दूंगा। बट आपके जो भी सवाल हैं, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, उन सब सवालों के जवाब मैं अगले वीडियो में आपको एक एक करके दे दूंगा। सो जब तक बस गाइस, चिल रहो, कूल रहो, इंटर्नशिप और कुछ भी हो तो पूछ लेना यार, है ना। चलो बाय बाय।